morning all of you. Today I will continue our chapter number 5 division, and I'm going to start in this class exercise number 5, and this exercise is related to word problem question. Okay, and these are the questions, word problem questions. So let's start question from question number 8. There are 840 passengers sitting in an equal number in 7 buses. It means 7 buses hai, usme number of jo passengers hai wo hai 840. Yani 7 buses mein kitne passengers baith sakte hai? Baithte hai 840. How many passengers are there in one bus? So one bus ka find karna hai ki one bus mein kitne passengers baith sakte hai. So first of all I will discuss about ki kaise, how can we find in this question we will divide. Okay, ki kaise hum find karenge ki hame kaise hum identify karenge ki is question mein divide hi hoga. Abhi to aapko इसको इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ईजी है, आइडेंटिफाई करना कि डिवीज़न ही होगा, बिकॉज़ ये चैप्टर आपका डिवीज़न ही चल रहा है. बट जब एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन एक साथ इन्हें होते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, सो इस उस टाइम आपको उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ होता है. तो तब देखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी पहले कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको क्या है नंबर ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करनी हो, ओके, एंड मोर देन वन से ज़्यादा आपका आपको जो भी गिवन नंबर हो वो हो, जैसे यहाँ पे 7 बसेस में 840 पैसेंजर्स आते हैं, तो कोई भी हो सकती है डिजिट क्वेश्चन में. यहाँ पे जैसे पैसेंजर्स हैं, बुक्स हो सकती है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, ट्रॉफीज, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको एक से ज़्यादा, वन से ज़्यादा की इसमें वैल्यू गिवन हो, एंड आपको फाइंड ओनली वन की वैल्यू फाइंड करनी हो. आपको बस ये याद रखना है, वन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. सो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड करना है, और आपको वन से ज़्यादा की डिजिट फाइंड करनी होती है तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है. एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में उनका बता दिया था मैंने कि उसमें क्या वो कब करते हैं. तो मोर देन वन से ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है मल्टीप्लाई, एंड वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड, ठीक है. तो आपके वन बस में पैसेंजर्स के नंबर ऑफ पैसेंजर्स पूछे हैं, तो इसमें भी यही है कि वन बस का फाइंड करना है, सो डिवाइड ही होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 7 बसेस, 7 बसेस में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, सो यहाँ पे है 840, एंड फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इन वन बस, ओनली वन बस, सो 840 किसका है आंसर, 7 का, तो हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें वन का आंसर फाइंड हो जाएगा. सो यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, 840 एंड 7, 7 वन जा 7 माइनस 1, 7 टू जा 14 माइनस, एंड देन माइनस करने के बाद थर्ड नंबर 0, 7 जीरो जा 0, कोई डिजिट नहीं है लिखने के लिए, सो हमारा कंप्लीट हो गया. सो द आंसर इज 120 पैसेंजर्स इन वन बस, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन भी, मान्य लॉट 2750 वर्ड्स इन एन इक्वल नंबर ऑन 11 पेजेस.
ऑफ हर नोटबुक, यानी 11 मान्य जो है 2750 वर्ड्स की है. वो क्या है, वो वर्ड्स वो 11 पेजेस में लिखती है, 11 पेजेस में वो 2750 वर्ड्स लिखती है. तो यहाँ पे बताना हाउ मेनी वर्ड डिड शी राइट ऑन ईच पेज, तो वो हर एक पेज पर कितने, ईच का मतलब होता है वन की वन पेज में कितने वर्ड्स लिखेगी वो बताना है. तो इसमें भी आपको डिवाइड करना है. ठीक है, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन सी. सो क्वेश्चन नंबर बी आप खुद करेंगे. क्वेश्चन सी, देयर आर 14 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ पेजेस. इफ द नंबर ऑफ पेजेस इन 14 बुक्स इज 8764, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन ईच बुक. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो मैथमेटिक्स में जो बुक्स है वो 14 बुक्स में है, 14 मैथमेटिक्स की बुक्स है, उसमें 8764 पेजेस है. सो हमें फाइंड करना है ईच बुक में कितने पेजेस होंगे. 14 बुक्स में 8764 क्या है पेजेस है. सो द क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर सी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन हाउ मेनी बुक्स, 14 बुक्स. सो 14 बुक्स में जो नंबर ऑफ पेजेस है वो है 8764, एंड वी विल फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक. सो वन की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डिवाइड, जिसका आंसर होता है उसी से डिवाइड करना है. 8764 को किससे डिवाइड करना है, किसका आंसर है 14 बुक्स का, तो इसी से डिवाइड करना है. 8764 डिवाइडेड बाय 14 मतलब 14, 14 टू ज़ा 28, 14 के टेबल आते हैं तो उठते नहीं आती, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 14 थ्री ज़ा 42, 14 फोर ज़ा 56, 14 फाइव ज़ा 17, 14 सिक्स ज़ा 84 एंड 14 सेवन ज़ा 98, 98 तो बड़ा हो जाएगा. अब जैसे ही बड़ा आए तो उससे बिफोर वाला नंबर यूज़ करना है. 14 सेवन ज़ा 14 सिक्स 84, 7 से 4 माइनस करेंगे 3, 0, 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 18, 14 थ्री ज़ा 42, 42 बड़ा हो जाता है तो 14 टू ज़ा 28, 16 माइनस 8, 14 7 6 84. सो द आंसर इज 626 पेजेस है ईच बुक में, यानी वन बुक में. ओके, नेक्स्ट को नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर डी. देर आर 2784 स्टूडेंट्स टू बी डिवाइडेड इन ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स ईच. हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ मेनी स्टूडेंट विल रिमेन इन द इनकम्प्लीट ग्रुप. सो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि आपको देयर आर क्या नहीं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 2784 स्टूडेंट्स हैं, उनको डिवाइडेड कर दिया गया है. ठीक है, ग्रुप्स में 15 स्टूडेंट, यानी 15 स्टूडेंट्स की क्या है, हर एक लाइन में, हर एक जो भी ग्रुप है, हर एक ग्रुप बनाए गए हैं, है ना. 2784 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनके ग्रुप बनाए गए हैं 15. ठीक है, तो हर एक जो ग्रुप है उसमें कितने स्टूडेंट्स है, हर एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स है. तो 2784 जो स्टूडेंट्स हैं उनको फाइंड, उनको किससे कितने ग्रुप बनेंगे वो फाइंड करना है. 15 है, हर एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स रखे हैं, 2784 टोटल स्टूडेंट्स हैं, सो उससे कितने तो ग्रुप बनेंगे और उसके बाद भी कितने स्टूडेंट्स अभी भी रिमेनिंग रहेंगे, यानी बाकी बचेंगे जिनका ग्रुप नहीं बनेगा. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर जी. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू
number of students in each group, number of students in each group, each group या one group कुछ भी लिख सकते हैं. So number of students हैं हर एक group में 50. So यहाँ find करना है कि कितने groups बनेंगे. number of groups find करना है सबसे first. तो इन स्टूडेंट्स को 15 हर ग्रुप में है. कभी भी इस तरीके से होता है जिसमें हमें डिवाइडेशन करना होता है तो और हमें फाइंड करनी होती है किसी की भी वैल्यू नंबर फाइंड करना होता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स है, कितने नंबर ऑफ टॉफीज है, इस तरीके से भी फाइंड करना होता है डिवाइडेशन करके. तो उसमें भी हम डिवाइड करते हैं तो हम 2,784 को डिवाइड करेंगे 15. सो हम यहाँ करते हैं साइड में 15 1 15 15 2 30 होता है तो वो बड़ा हो जाएगा 30. तो 15 1 15 -7 -5 2 जैसे 15 7 105 15 8 120 तो छोटा है, 15 9 135 बड़ा हो जाता है. तो हम 10 पे 120 करेंगे. बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर का यूज़ नहीं करना होता है. 15 4 60 15 5 75 15 6 90 होता है. तो 15 5 75 यहाँ पे हमने किया. सो हमारा रिमाइंडर 9 है. सो 185 तो नंबर ऑफ ग्रुप जो बनेंगे वो बनेंगे 185 ग्रुप बनेंगे 15 15 स्टूडेंट्स के. देन उसके बाद भी रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स वो कितने रहेंगे 9, क्योंकि इनका एक भी ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि 15 का बनेगा ना एक वन ग्रुप. तो 9 बचेंगे. तो नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट जिनका ग्रुप नहीं बनेगा, सो नंबर ये है 9. तो दिस इज द बोथ आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, और इसमें इस क्वेश्चन में तो डिवाइड भी था, डिवाइडेशन वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी डिवाइड करते हैं. सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर A, C एंड D इन योर कॉपी. थैंक यू.